नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स, खरका खाना सहायता जान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी बर्फी, जो कि बनाने में तो बहुत आसान है ही और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बर्फी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए 2 गुड़ मीडियम साइज़ के लिए हैं। तो सबसे पहले हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। तो हम चाकू से इसे इस तरीके से खुरच रहे हैं, क्योंकि इससे जो गुड़ है बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाता है। आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो गुड़ को ये देखिए, हमने इस तरीके से चाकू की हेल्प से खुरच लिया है। और अब हम लेंगे एक पैन और इसमें हम डाल रहे हैं तिल। फ्रेंड्स, तिल की बर्फी बनाएंगे, बहुत टेस्टी लगती है बर्फी। जिस तरीके से हम बना रहे हैं, आप सेम स्टेप्स फॉलो कीजिए, बहुत टेस्टी बर्फी बनेगी। तो फ्रेंड्स, तिल को हम पहले भून लेंगे, हल्का भूनना है हमने इसे। गैस को हमने ऑन कर लिया है, तो इससे चलाते हुए हम लो टू मीडियम फ्लेम में तिल को भून लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी जो तिल का कलर चेंज हो गया है, इसे हम थोड़ा सा और भून लेंगे। गैस को अब हम बंद कर देंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से भुन गया है तिल हमारा। तो गैस को हमने बंद कर दिया, थोड़ा सा ये हमारा जो पैन है वो गर्म है, इसलिए इस तरह से चलाते हुए हम थोड़ा सा तिल को और भून लेंगे। और अब हमने यहाँ पे ले ली एक प्लेट और इसमें हम ये तिल को रख देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। तो फ्रेंड्स, तिल हमारे अच्छे से ठंडे हो गए हैं और अपने यहाँ पर ले मिक्सर जार, तो हम इसमें ये भुने हुए तिल डाल देंगे और इसको हल्का दरदरा पीसेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा रुक रुक के मशीन को चलाएंगे। बहुत देर तक हम मशीन को नहीं चलाएंगे लगातार, वरना तिल जो है तेल छोड़ देगा। इसको हम बस ये देखिए, हमने इसे पीस दिया। इस तरह से पाउडर फॉर्म में हमें पीसना है। तो फ्रेंड्स, हमने अब एक पैन ले लिया, इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच हम इसमें घी डालेंगे। घी हमारा मेल्ट हो गया, तो अब हम इसमें डाल देंगे गुड़। दोस्तों, चाकू से खुरच के या फिर कद्दूकस करके जब हम गुड़ को पिघलाते हैं तो ये बहुत जल्दी से पिघल जाता है। तो इस तरह से चलाते हुए हम गुड़ को पिघल लेंगे। और अगर आपका गुड़ ज़्यादा सख्त है तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच दूध भी डाल सकते हैं। धीरे धीरे गुड़ पिघलना शुरू हो गया है। दोस्तों, आप गुड़ की जगह चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गुड़ जो होता है टेस्ट के साथ साथ सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पर हम गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गुड़ हमारा अच्छे से पिघल गया है, गुड़ और घी अलग अलग हो गए हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे ये भुना हुआ तिल का जो पाउडर, वो हम इसमें डाल देंगे और इसको चलाते हुए हम इसे मिक्स कर लेंगे। बाकी का बचा हुआ भी पिसा हुआ तिल भी हम इसमें डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। दोस्तों, तिल 3 प्रकार के होते हैं, सफ़ेद, काला और लाल। यहाँ पर हम सफ़ेद तिल की बात कर रहे हैं। दोस्तों, तिल हमारे बालों के लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारी त्वचा के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक, काफ़ी सारे पोषक तत्व होते हैं, विटामिन्स होते हैं, जो कि हमारी मांसपेशियों को एक्टिव रखते हैं। इसलिए दोस्तों, तिल का हमें किसी न किसी रूप में सेवन ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 कटोरी करीब मिल्क पाउडर और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। दोस्तों, मिल्क पाउडर को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 गिलास करीब दूध डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों, इसे हमने अच्छे से मिक्स कर दिया और अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम में गाढ़ा होने तक पकाएंगे। धीरे धीरे फ्रेंड्स, ये अभी गाढ़ा हो रहा है, तो अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है, तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और अब हम लेंगे एक प्लेट और इसमें हम थोड़ा सा घी लगा के प्लेट को अच्छे से चारों तरफ से ग्रीस कर लेंगे। और ये जो मिश्रण है ये इसमें हम डाल देंगे और इसे हम फैला लेंगे पूरे अच्छे से। इसे हम फैला लेंगे इस तरह से। ऊपर से हम इसमें डाल देंगे थोड़े से काजू, बादाम और पिस्ते से हमने इसे गार्निश कर लिया और इसको इस तरह से चम्मच से हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे ताकि इसमें अच्छे से चिपक जाए। और इसे फ्रिज में रख देंगे करीब 1/2 घंटे के लिए सेट होने के लिए। तो फ्रेंड्स, 1/2 घंटा हो गया है और हमने इसे फ्रिज से बाहर निकाल दिया और अब हम चाकू की हेल्प से इसके किनारों को इस तरह से खोल लेंगे और इसे अपने मनपसंद टुकड़ों में काट लेंगे इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, बर्फी को हमने इस तरह से कट कर लिया है और अब हम इसको आपको दिखाते हैं। ये जो पीस है इसको निकाल के हम साइड में रख लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स कितनी सॉफ्ट बनी है ये मिठाई, आप देख रहे होंगे, और बहुत ही अच्छी भी लग रही है, काफ़ी टेस्टी भी है ये मिठाई। तो इसे हम प्लेट में रखते जाएंगे निकाल के।
दोस्तों इस बर्फ़ी की खास बात यह है कि ये बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और बहुत ही शुद्ध मिठाई है, क्योंकि आप इसे अपने घर पे खुद बनाएंगे तो टेस्टी तो होगी, हेल्दी भी होगी, और जो भी चीज़ हम इसमें डाल रहे हैं वो सारी सेहत के लिए अच्छी है, चाहे वो तिल हो, चाहे वो गुड़ हो, चाहे वो मिल्क हो, सारी की सारी चीज़ें सेहत के लिए अच्छी हैं। दोस्तों ये बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और एकदम मुँह जाते ही घुल जाने वाली बर्फ़ी है, ये सभी को बहुत पसंद आएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हम एक पीस आपको तोड़ के दिखा रहे हैं। ये देखिए कितनी आराम से टूट रही है, बहुत ही सॉफ्ट बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है फ्रेंड्स, मुँह में जाते ही घुल जाएगी। दोस्तों बाज़ार की मिलावट वाली बर्फ़ी लाने और खाने से अच्छा है कि आपने घर पर बर्फ़ी बनाइए और खाइए, ये बर्फ़ी सेहतमंद भी होती है और साथ में बहुत टेस्टी भी। और दोस्तों इस बर्फ़ी को बनाने में जो भी सामग्री चाहिए होती है आपके घर में या आसपास किसी भी शॉप में आपको मिल जाएगा आसानी से, आप इस बर्फ़ी को जब भी आपका मन करे बनाकर खा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी गुड़ और तिल की बर्फ़ी की रेसिपी पसंद आई होगी। तो दोस्तों रेसिपी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल घर का खाना सेहत हज़ारों को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो घंटी का बटन उसे बजा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तो घर का खाइए, सेहत बने और हमेशा फिट रहिए। नमस्कार, टेक केयर एंड बाय।